सोलन में पुलिस लगातार नशे पर शिकंजा कसती जा रही है। आए दिन नशे के सौदागरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। इस विशेष मुहिम के लिए पुलिस ने अपने गुप्तचर जगह जगह सक्रिय कर दिए हैं, जिसके चलते पुलिस नशा तस्करों तक पहुंच रही है। यहां तक स्थानीय लोग भी जागरूक हो चले हैं और जैसे ही उन्हें किसी गलत बात का अंदेशा होता है, वह तुरंत पुलिस से साझा करने में हिचकिचाते नहीं है, जिससे ये बात साबित होती है कि पुलिस और जनता के बीच अविश्वास का सेतु बन चुका है। यही वजह है कि जागरूक लोगों की वजह से ही अफीम की तस्करी करने वाले दो नेपाली युवा पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिन्हें नागली के जंगलों से गिरफ्तार किया है। सोलन में पुलिस लगातार नशे पर शिकंजा कसती जा रही है। आए दिन नशे के सौदागरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। इस विशेष मुहिम के लिए पुलिस ने अपने गुप्तचर जगह जगह सक्रिय कर दिए हैं, जिसके चलते पुलिस नशा तस्करों तक पहुंच रही है। यहां तक कि स्थानीय लोग भी जागरूक हो चले हैं और जैसे ही उन्हें किसी गलत बात का अंदेशा होता है, वे तुरंत पुलिस से साझा करने में हिचकिचाते नहीं है, जिससे ये बात साबित होती है कि पुलिस और जनता के बीच अब विश्वास का सेतु बन चुका है। यही वजह है कि आज जागरूक लोगों की वजह से ही अफीम की तस्करी करने वाले दो नेपाली युवा पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिन्हें नगाली के जंगलों से गिरफ्तार किया है। अधिक जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की है और दो नेपाली युवकों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए युवाओं से करीबन 1 किलो 437 ग्राम अफीम बरामद की है। पकड़े गए युवाओं का नाम राजू और अर्जुन है, जिसमें अभी जांच जारी है। FIR नंबर 195/19 है और उसमें 1829 NDPS एक्ट में केस दर्ज किया गया है। उसमें दो नेपाली मूल के व्यक्तियों जिनका नाम राजू राणा और अर्जुन है, इनसे 1 किलो 437 ग्राम अफीम बरामद की गई है और इसमें भी अन्वेषण जारी है। बस तो चला छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।